हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता और उसके महत्व के बारे में मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगा। शास्त्रों में कहा गया है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणयो यथाह तद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिष मूर्धनि स्मृतम। इसका अर्थ है, जैसे मयूरों की शिखा और नागों की मणि उनका भूषण है, वैसे ही शास्त्रों में ज्योतिष शिरोमणि है। आकाश में तारों के रूप में नक्षत्र, ग्रह आदि प्रकाशमान होते हैं। इन आकाशीय पिंडों के मानव जीवन पर प्रभाव के अध्ययन को हम ज्योतिष कहते हैं। साधारण आदमी से लेकर उच्च अधिकारी, व्यापारी, उद्यमी, राजनेता, अभिनेता, विद्वान, वैज्ञानिक एवं राज्याध्यक्ष सभी ज्योतिष के बारे में विश्वास रखते हैं। हर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानने का इच्छुक रहता है एवं सुखद भविष्य की इच्छा रखता है। ज्योतिष भूत, वर्तमान एवं भविष्य की निरंतरता के अध्ययन का विज्ञान है। ज्योतिष को चक्षु और प्रकाश भी कहा गया है। एक निष्णात ज्योतिषी आने वाले खतरों से सावधान करता है तथा निवारण के उपाय भी बताता है। निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार करता है। भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष शास्त्र को सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से ज्ञान कराता है और ठोस उपायों के द्वारा जीवन को उसी प्रकार से सुखी बनाता है जिस प्रकार दीपक अंधकार में रखी गई वस्तु को हस्तगत करवाता है। इस कलयुग में ज्योतिष शास्त्र की ओर समस्त संसार की दृष्टि लगी हुई है। आयु, जन्म, मरण, विवाह, शिक्षा, धन, संपत्ति, कौटुंबिक सुख, दाम्पत्य जीवन, संतान, सुख, व्यापार, नौकरी, पदोन्नति, आय, व्यय, जय, पराजय, प्राकृतिक प्रकोप, वर्षा का ज्ञान, राजनीतिक पक्ष आदि बातों को जानने की उत्कंठा हर व्यक्ति के मन में बनी रहती है। ज्योतिष को देव विद्या कहा जाता है। देव विद्या साधना एवं अनुभव गम्य है। आधुनिक युग में तथा कथित ज्योतिषी जिनको ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो भले भले लोगों को भ्रमित कर उनका शोषण करने में प्रवीण हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, यही मेरा सुझाव है। मित्रों, थोड़ा आत्मचिंतन करें। क्या आप अपने मन में असंतोष और घुटन अनुभव कर रहे हैं? क्या आप धन वृद्धि व कुटुंब सुख चाहते हैं? क्या आपका आत्मबल कमजोर है? क्या आप भूमि, भवन, वाहन, सुख प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप इच्छित संतान सुख चाहते हैं? क्या आप अपनी संतान को विद्या अभ्यास में श्रेष्ठ सफलता दिलाना चाहते हैं? क्या आप रोग व शत्रु से परेशान हैं? क्या आप अपनी संतान का शीघ्र व सुखी वैवाहिक जीवन चाहते हैं? क्या आप विदेश यात्रा व भाग्योदय की जानकारी चाहते हैं? क्या आप अपने व्यवसाय जॉब में उन्नति चाहते हैं? क्या आप आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु आशान्वित हैं? क्या आप राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं? क्या आप अपने उज्ज्वल भविष्य हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो एक बार पधार कर या संपर्क कर विद्वता और अनुभवों का अवश्य लाभ उठाएं। आपकी खुशियों हमारा लक्ष्य। नमस्कार, मैं शीतल निकम। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में बातचीत करेंगे जिस विषय की जानकारी आपको, मुझे और सबको लेना बहुत ही जरूरी है। ये विषय है ज्योतिष शास्त्र। ये एक ऐसा विषय है जिसके अगर सही जानकारी नहीं हो तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हर कोई ज्योतिषी के पास जाता है और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए ज्योतिषी जो बोलता है वो उस सॉल्यूशन के पीछे भागने लगता है। फिर वो ये नहीं सोचता है कि वो सॉल्यूशन सही है या गलत है। इसी ज्योतिष शास्त्र के बारे में सही जानकारी लेने के लिए आज हम आपका परिचय करने वाले हैं अपने विद्याविद, अपने पंडित रजनीकांत दवे जी। बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो अपने पंडित जी हैं, इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल द्वारा स्टेट अवार्ड तथा राष्ट्रपति अवार्ड भी प्राप्त किया हुआ है।
आज तक का उनका जो तजुर्बा है ज्योतिष शास्त्र के बारे में, मैं चाहूंगी कि वो दो शब्द ज्योतिष शास्त्र के बारे में आप लोगों को दें। समस्त पधारे हुए महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे को बताया गया है, ज्योतिष विषय के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दूं। ज्योतिष शास्त्र हमारे भारतीय संस्कृति में वेद, चार वेद और छह वेदांग बताए गए हैं। उन छह वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र सबसे शिरोमणि वेदांग माना गया है। ज्योतिष शास्त्र एक अंधकार में भटके हुए मानव का मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष शास्त्र किम कर्तव्य विमूढ को एक नया रास्ता दिखाता है, उसके जीवन को उज्ज्वल बनाने की एवं उसका चौमुखी विकास हो उसके लिए उसका पथ प्रदर्शन करता है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जीवन की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र आयुर्वेद, कृषि विज्ञान आदि अनेक क्षेत्रों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चाहे चांद या मंगल ग्रह या सूर्य, चंद्र या अन्य जो ग्रह हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का सहयोग अपेक्षित है। किस दिन कौन सा ग्रहण किस समय होगा, इसकी सही जानकारी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि सही ज्योतिषज्ञ का मार्गदर्शन मनुष्य के उज्जवल भविष्य के लिए सार्थक बन सकता है। अभी अभी आपने अपने पंडित रजनीकांत जी दवे का मार्गदर्शन सुना। पंडित रजनीकांत जी दवे के कुछ शिष्य यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है, उन शिष्यों से ही हम पंडित जी के बारे में और जानकारी लेते हैं कि कैसे उन शिष्यों को पंडित जी के बताए हुए उपायों से फायदा हुआ। आइए तो फिर हम मिलते हैं उनके शिष्यों से। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा विक्रम अग्रवाल है। विक्रम जी, आप अपने गुरुजी को कब से जानते हैं? मैं गुरुजी को एक साल से जानता हूँ जी। और क्या समस्या लेके आए? मेरे माता मानसिक रूप से बहुत काफी घिरा हुआ हूँ, प्रॉब्लम के कारण गुरुजी के पास मैं एक साल से जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा से गुजर रहा था और अचानक से गुरुजी का बार मार्गदर्शन का बोर्ड पढ़कर और मुझे मतलब मन में ऐसा हुआ कि चलो एक बार गुरुजी के पास चलते हैं। वहाँ आया और गुरुजी से कुछ अपने बारे में कुछ कहा और कहते ही और गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आप मेरे रास्ते पे चलना और मैं कुछ आपको मार्गदर्शन बता रहा हूँ उससे अनुसार आप चलो, कहने का मतलब। तो मैं जैसे गुरुजी के पास आया और मेरे को कुछ उन्होंने मार्गदर्शन दिया और एक साल के अंदर मतलब आते आते और मेरा मतलब जीवन के अंदर मानसिक तनाव से सब मतलब समस्याओं से मतलब दूर हो गया। मैं नागरमल महेश्वरी गुरु जी को काफी दिन से जानता हूँ। मेरे यहाँ अभिषेक करवाया, महादेव जी का अभिषेक करवाया, बहुत अच्छी तरह किया, उससे बहुत घर में शांति हुई। महेंद्र में 30 साल से रहता हूँ और बहुत से पंडितों के पास जाके आया मैं। मेरे को जो मानसिक अशांति लगती थी इसके लिए शांति निवारण हो तो इनके पास आया, इन्होंने मेरे को सही सजेशन दिया और संघ पुष्ट भी हवन करवाया। वो हवन करवाने से मेरे को मन में शांति हुई और ग्रह दोष निवारण हुआ और अब मेरे को अच्छा मन में शांति लग रही है। नमस्कार, मैं प्रहलाद बाबूराव ठाकुर। मेरी ये समस्या थी मेरे बच्चों की कि उनका पसीने में बहुत प्रॉब्लम था, तभी मैं यहाँ वहाँ गया लेकिन मेरे को सही राह नहीं मिला। तभी मेरे को किसी ने कहा कि इनके पास आके आपको सही सलाह मिलेगी, इसके लिए इनके पास आए मैं और उन्होंने मेरे को मेरे बच्चों की पत्रिका देखी तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई ऐसा ये जो प्रॉब्लम है काल सर्प का है और एक दो शांति की थे प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा अपने को शांति करना पड़ेगा, आप अगर चाहिए तो कहाँ से भी कर सकते हो, मैं भी करूँगा। तो मैं बोला आप ही करा दो, तो उन्होंने अपने खुद अपने हाथों से वो शांति कराई। आज मेरा बच्चा अमेरिका में है
और वो सही उसका कारोबार चल रहा है उनके वजह से। मेरा नाम भूपेंद्र पालरेचा है, मैं भेंदर पश्चिम में पिछले 3 साल से रह रहा हूँ। जैसे कि हर व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है, तो हम किसी न किसी ज्योतिष गुरु की तलाश में रहते हैं। मैं भी काफ़ी ज्योतिष गुरुओं के पास गया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि मुझे सही मार्गदर्शन और सलाह नहीं मिली। बाद में मुझे रजनीकांत जी दवे साहब का मालूम पड़ा, तो मैं आपके पास में आया। जो सलाह आपने दी, जो जो मार्गदर्शन दिया, उससे मेरे समस्याओं का निदान होता गया और मैं आपसे काफ़ी प्रभावित हूँ। नमस्कार, मैं मंजीत सिंह, गुरु जी के पास आया था। मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में नुकसान हो रहा था, मैं गुरु जी को अपना ऑफिस दिखाया, उसके बाद हमारा रोजगार जो भी धीरे धीरे अपनी उन्नति की तरफ जा रहा है। मैं किशनराज राजपुरोहित, मैं रजनीकांत जी का भक्त हूँ और मैं यहाँ रेगुलर आया करता हूँ। उनका जो कार्य है ये समाज सेवी के, ये प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले रहे हैं। 95 से बोलती हूँ। मैंने गुरु जी का नाम सुना, हमारे गुरु जी का नाम रजनीकांत दवे है और गुरु जी का यहाँ पे मैंने बोर्ड वगैरह देखा, तो मैं यहाँ पे आई और मैंने बच्चों का कुंडली वगैरह बनवाया। उसमें छोटे छोटे नुस्खे थे जो हमें बिल्कुल खर्चा नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं, और वो पूजा पाठ से ही आज मेरे बहुत अच्छे लगे और सब लोग गुरु जी को आभारी हैं जो उन्होंने अंधेरे से उजाले में मार्गदर्शन दिखाया। नमस्ते, मेरा नाम कविता कोठारी है। मैं यहाँ गुरु जी के पास एक दो बार सलाह के लिए आई, कुछ कुंडली का या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो मुझे उनका जो सलाह मिली इतनी अच्छी लगी एंड डे टू डे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। नमस्कार, आई एम चारू भार्गव। I have consulted Guruji for my son's problem. He had a very bad temper, so I was very fed up of his temper. So I just came and asked him, "Okay, what do I do about it?" He gave me some things to do, and they were not very expensive, but they were quite simple things, and it worked out for me. Now he's become a very good person, and it really changed him, and I'm very happy with what he has done. Jai Mataji Ji, mera naam Manita Vinayak hai. और मैं लड़के के लिए बहुत टेंशन में थी। मैं इतना मुझे टेंशन था कि मैं कभी कभी बहुत रात को रोती थी कि मैं लड़का इतना गुस्सा आ रहा है, उसको इतना दिमाग तेज था कि मैं मतलब सहन नहीं कर पा रही थी। फिर किसी ने मुझे मतलब इनकी सलाह दी कि आप रजनीकांत जी यहाँ पे पधारे हुए, इनका ऑफिस किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाओ, आपको सलाह एकदम सही सलाह दे देंगे आपको। तो मैं वहाँ पे गई और इनसे सलाह ली, इन्होंने जो मंत्र बोला वो आज वो कर भी रहा है और इन्होंने मंत्र पढ़ के बहुत इतनी शांति उसको और मुझे इतनी शांति मिल रही कि कभी इनको मतलब मैं जिंदगी भर तक नहीं भूल सकती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सुमन वर्मा है और मैं गुरुजी से जब भी पहले दिन मिली तब से मुझे काफ़ी राहत मिली। मैं काफ़ी टेंशन थी मेरे को दिमाग में कि मेरी टेंशन कैसे दूर होगी, गुरुजी से जैसे ही मिली मेरी टेंशन दूर हो गई। आए हैं तब से छोटे बड़े काम सब सब करते हैं और यहाँ पे बहुत सी पब्लिक आती है जाती है, मैं देखते रहती हूँ उनका काम बहुत अच्छी तरह। सबसे पहले मैं मेरे श्रद्धालु जो यहाँ उपस्थित हुए, जिन्होंने मेरे बारे में अपने विचार रखे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं इतना अपने आप को इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं समझता हूँ। मैं एक छोटा सा ज्योतिषी हूँ, लेकिन ये लोग जिन जिन लोगों के पास में जाके आए, जिन जिन उन लोगों का उन्होंने उनके कहने के हिसाब से अपना उपचार किया, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ और उसके बाद में थक करके मेरे पास में आए। मैंने उनको कम से कम पैसों के खर्च में उनको मैंने अपना मार्गदर्शन दिया, उपाय बताया, उन्होंने उस हिसाब से अपना उपाय किया और उनको लाभ हुआ। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर अल्प ज्ञान रखते हैं, जो ज्योतिष की पूरी जानकारी जिनके ऊपर पकड़ नहीं है, ऐसे महानुभावों से मेरा निवेदन है कि आप अपने पास में आने वाले परेशान हुए लोगों को गुमराह नहीं करें और सही रास्ता दिखाएं। मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी व्यक्ति मेरे पास में आएगा, मैं सेवा भाव से उनका मार्गदर्शन करता रहूंगा। मैं आशा करती हूं कि अभी आपने जो पंडित रजनीकांत जी दवे का मार्गदर्शन सुना तथा उनके शिष्यों के
विचार सुने, उससे आपको काफ़ी समाधान हुआ होगा। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप एक बार हमारे पंडित रजनीकांत जी दवे का मार्गदर्शन जरूर लीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु।